हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन इन आर्ट ऑफ विनो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पेपर मैशे क्या होता है, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये कहाँ से आया है और इसके जो पर्पस है वो भी बताऊंगा मैं आपको, इसके पर्पस क्या क्या है और पेपर मैशे का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पेपर मैशे का मतलब क्या है? पेपर मैशे मतलब किसी भी तरह के पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों को भिगोकर जो मिक्सचर बनाया जाता है उसे हम पेपर मैशे कहते हैं। पेपर मैशे से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है जो कि अलग अलग आकार की होती है और सूखने के बाद उसके ऊपर पेंटिंग या डेकोरेशन भी की जा सकती है। तो इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया ये पेपर मैशे? पेपर मैशे ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि 17 सेंचुरी में आया, लेकिन इसका ओरिजिन फ्रांस नहीं है। पेपर मैशे का ओरिजिन चाइना है जो कि खुद पेपर के इन्वेंटर है। चाइनीज पेपर मैशे से हेलमेट्स बनाते थे लैकर के मदद से। तो लैकर मतलब जो पेड़ों से निकला हुआ रस होता है उसी का इस्तेमाल करके वो हेलमेट्स बनाते थे जो लड़ाई में यूज़ होते थे। 200 एडी के टाइम पे ये इन्वेंशन हुआ था। 200 एडी मतलब जब जीजस बॉर्न हुए थे तो उसी समय को 200 एडी बोलते थे। उसके बाद फिर इसका नाम पेपर मैशे रखा गया यूरोपियंस द्वारा 17 सेंचुरी में। चाइना से फिर ये जापान, पर्शिया और ऐसे शहरों में स्प्रेड हुआ। वो लोग फिर पेपर मैशे से मास्क और फेस्टिवल में लगाने वाली चीज़ों को बनाने लगे और फिर पूरे दुनिया भर में फैल गया। तो इसके पर्पस क्या है? पेपर मैशे से स्कल्पचर बनाते थे, आर्ट और क्राफ्ट्स में यूज़ करते थे, पपेट्री में यूज़ करते थे। मर्दी ग्रास जो कि एक इवेंट है कार्निवाल सेलिब्रेशन का, वह वहाँ भी इसका यूज़ करने लगे। बॉक्सेस, बाउल्स, ट्रेस, शेल्फ्स बनाने लगे इसके मदद से। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं पेपर मैशे से कैसे कोई चीज़ बनाते हैं तो मैंने इस पर वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है मैंने, आप देख सकते हैं। तो अब आपको पता चल गया है कि पेपर मैशे क्या होता है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।